हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं अपने एग्जॉस्ट फैन के साथ, जी हाँ एग्जॉस्ट फैन के साथ, ना कि चिमनी के साथ, जो चिमनी की एल्युमिनियम पाइप होती है उस वाली पाइप को यहाँ पे जो है इंस्टॉल करके लगाऊंगा। अपने जो आप सामने देख सकते हैं, मैंने होल करवा लिया है, यहाँ पे इसे कनेक्ट करूंगा। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम ऐसा करने की नीड क्यों आ गई है। अगर आप यहाँ पे सामने देखें तो आपको पता लगेगा कि ये मेरा एंट्रेंस है और बेसिकली यहाँ पे मेरे किचन का जो है एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे लगा हुआ है और मेरे घर की जो फ्रंट जाली है वो यहाँ पे है। तो होता क्या है, जब भी हम किचन में कुछ बनाते हैं तो उसकी जो भी स्मेल वगैरह, जो भी उसकी जो धुआं वगैरह रहता है, वो क्या होता है, एंट्रेंस में यहाँ पे भर जाता है और उसके यहाँ से निकलने में टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे जाली है, तो सारी स्मेल भर जाती है और रिवर्स जो है कोई भी अगर आए कुछ आए तो वो घर के अंदर भरने लगती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है चिमनी पाइप जो है लगाने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने घर में कुछ इसी तरीके का जो है सिमिलर इशू फेस कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा और बताऊंगा कितना इजी या डिफिकल्ट है इस टास्क को खुद करना। इस टास्क को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको एक चिमनी पाइप चाहिए होगी। तो ये मैंने 6 इंच डायमीटर की ली है जो कि 10 फीट लॉन्ग है। अभी ये श्रिंक जो हो रखी है वैसे है, एक बार इसे एक्सपेंड करेंगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिंकल्स होते हैं जॉइंट्स वाले, जब इन्हें स्ट्रेच करके एक्सपेंड करते हैं तो ये 10 फीट तक लॉन्ग हो जाती है और ये बाहर की साइड एक कवर लगेगा। इस ऑलरेडी मैं चिमनी पाइप का एक सेपरेटली अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं कोई भी इसकी अनबॉक्सिंग डिटेल्स के बारे में बात नहीं करूंगा। इस चिमनी के पाइप के साथ जो है मेरे को एक एल्युमिनियम टेप भी मिली थी, मगर मैं उस एल्युमिनियम टेप की वजह जो है अपनी स्ट्रॉन्ग डक टेप यूज करूंगा, ये वाली। साथ में हमें चाहिए होगी एक ड्रिलिंग मशीन क्योंकि मैं इसे होल करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा कहाँ पे इसकी नीड पड़ेगी। एक हमें बॉक्स चाहिए होगा, तो इस बॉक्स का जो है कोई भी आपके पास पुराना बड़े साइज का बॉक्स हो उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। मेरे केस में आपको बताऊं ये किस काम आएगा, तो वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे को पहले मैं इस बॉक्स से जो है इसे कवर करूंगा और फिर उस बॉक्स में यहाँ पे होल करके वहाँ से चिमनी पाइप बाहर निकालूंगा। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है इस तरीके के जो है मैंने 5 U-क्लैंप ले लिए हैं। तो आप देखें इसका साइज आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप पढ़ पाएं ये 160 mm के हैं, जैसे मैं आपको फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। 160 mm का मतलब हो जाता है 6.2 डायमीटर। तो बेसिकली ये जो U-क्लैंप है 5 मैंने लिए हैं, 20 rupees का एक है। अगर ऐसे करके आपको दिखाऊं, इसे बस ऐसे करके ऐसे प्रेस करके इसके ऊपर डाल दें तो जब मैं इसे दीवार में लगाऊंगा तो उसको सपोर्ट के लिए ये चाहिए होगा। तो बेसिकली इस एल्युमिनियम फॉइल का जो है कोई वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर क्योंकि जब मैं इसे यहाँ पे ऐसे करके लगाऊंगा, वहाँ से इसको कनेक्ट करके वहाँ लगाऊंगा, तो बीच में मेरे को जो है सपोर्ट करने के लिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो है इन यू क्लैंप्स की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में इस तरीके के जो कुछ स्क्रूज हैं वो मेरे को चाहिए होंगे। तो मेरे केस में मैंने आपको दिखा दिया है कि लमसम जो है कुछ इस तरीके का ये सारा का सारा सामान जो है मेरे को लगने वाला है इस प्रोसेस को करने के लिए। हो सकता है आपका केस जो है सिनारियो है तो वो थोड़ा डिफरेंट हो, तो हो सकता है आपको जो है थोड़ा कम ज्यादा लगे कुछ चीज की, हो सकता है एक्स्ट्रा नीड पड़े या ना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो जज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको लगाना शुरू करूंगा मैं एग्जॉस्ट फैन की साइड से, जो जैसे मैंने आपको कार्डबोर्ड दिखाया था वहां पे उसकी गोलाई का एक नाप ले लूंगा और फिर उसके वहां पे सेंटर होल करके वहां पे चिमनी पाइप लगाऊंगा। और हमें ऐसे प्रोसेस कभी भी काम करे तो कोशिश करनी है कम से कम बेंड हो। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं एक बेंड यहाँ पे फर्स्ट पड़ेगा, एक पाइप के उस कॉर्नर पड़ेगा और मगर उसके बाद जो है सीधी सीधी बाहर की तरफ जाएगी। तो टोटल 2 बेंड के थ्रू ये मेरा काम हो जाएगा। आपके केस में हो सकता है ये बेंड जो है नंबर ऑफ बेंड डिफरेंट हो, कम हो ज्यादा हो, मगर आप कोशिश करें कम से कम बेंड में ये काम हो। तो सबसे पहले मैंने चिमनी पाइप का जो है एक पेपर पे ऐसे प्रिंट लेके जो है एक वेल्डर वाले से कटिंग करवा ली थी। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है नाप रखवा के मैंने यहाँ पे ऐसे कटिंग करवा ली ताकि एग्जैक्टली मेरी चिमनी पाइप यहाँ से पास हो सके। तो मेरे से इस कटिंग के जो है लगभग 300 rupees लिए थे। तो कार्डबोर्ड की गोल कटाई के लिए या तो आप इंची टेप से डायमीटर इसका नाप लीजिए कितना इसका बन रहा है, या फिर आप घर के एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो किसी एक बर्तन का रेफरेंस यहाँ ले लीजिए और सबको एग्जैक्टली गोला काटने में भी आसानी होगी। फिर कार्डबोर्ड में उसी बर्तन को रख के गोलाई बना के उसकी कटिंग निकाल लेंगे। तो इस गोलाई को काटने के बाद मैं एक और बार जो है चिमनी पेपर का जो चेंज कर मैंने साइज आपको दिखाया था इसी को दोबारा यहाँ पे रख के इसका गोलाई बनाऊंगा और दोबारा इनर एक अंदर से सर्कल काटूंगा ताकि यहाँ से चिमनी पाइप पास हो सके। तो इस कार्डबोर्ड को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैं इसे अंदर की तरफ से ब्लैक वाली टेप लगा दूंगा पूरे में, और बाहर की साइड में जो बाहर विजिबल रहेगा वहां पे मैं डक्ट टेप लगा दूंगा ऐसी वाली एल्युमिनियम वाली, क्योंकि एल्युमिनियम वाली चिमनी पाइप है तो देखने में थोड़ा सुपीरियर सा लुक बनेगा। मगर अगर आपके केस में कार्डबोर्ड से कोई अच्छा आपके दिमाग में बेहतरीन कुछ और चीज है तो आप उसको भी यूज करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ टेप लगा दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है हम चिमनी पाइप को जो एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके दिमाग में डाउट है कि अगर इसकी जो भी लेंथ है मैं ऐसे करके इसे एक्सपेंड करूं तो ये मेरी पूरी फिटिंग के हिसाब से कंप्लीट होगी नहीं होगी, तो उसके लिए भी आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूं। तो अगर आपको इस एक सेट की जो है मैं पहले अगर एक्सपेंशन से पहले दिखाऊं तो अगर आप इंची टेप से यहाँ पे देखें तो लगभग जो है आधे इंच के आसपास पड़ रही है ये। दूसरे एंड से अगर आपको दिखाऊं जहां पे मैंने फिलहाल के लिए एक्सपेंड कर दिया तो आप देखेंगे लगभग ये 1.5 इंच बन जाता है।
तो इसमें मैंने टोटल काउंट कर लिया है, टोटल जो है 79 जो है, जो भी मैंने फ्लैट वगैरह किए उसके बाद अभी भी 79 इस तरीके के जो है सेट बने हैं। तो जल्दी से आपको एक रफ कैलकुलेशन बता देता हूँ इसकी लेंथ कितनी रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा तो हर एक आधा इंच जो है लगभग 1.5 इंच के आसपास बन जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 118 इंच के आसपास बनता है, जिसे मैं फीट पे कन्वर्ट करूँ तो लगभग 9.5 फीट के आसपास बन जाती है। नेक्स्ट जो है हमें इसे एक्सपेंड पहले कर लेना है, आप इसे लगाने के बाद एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, काफी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसे एक्सपेंड पहले कर लेना है। एक्सपेंड जो है धीरे धीरे करना है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी, तो अपने सेट में करना है, पूरा एंड से एक साथ नहीं खींचना है, ऐसे करके धीरे धीरे खींचेंगे। वैसे करके आप देखेंगे धीरे धीरे खींचती जाएगी और ये खुलती जाएगी, पास से मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से खुलती जाएगी। बस एक पर्सन को एक जगह पे होल्ड करके रखना है और दूसरे एंड से दूसरा पर्सन खींचता जाएगा, तो बहुत यूनिफॉर्मली ये खुलती जाएगी। तो एक्सपेंशन के बाद आपको इसको करेक्टली इसकी लेंथ दिखाऊं विदाउट एनी ट्रिक, तो आपको दिखाता हूं, तो कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है, आपको क्लियरली दिखाता हूं एक्सपेंशन के बाद टोटल कितनी बनी एक कंटिन्यूस शॉट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गई है 114 इंच। तो टेम्परेरी मैंने सारी की सारी चिमनी पाइप को जो है पहले से टेम्परेरी रख दिया है, तो इस तरीके की लेंथ आएगी। अभी मैं इसकी मार्किंग लेके इसे लगाऊंगा भी सारी के सारे क्लैंप्स को, मगर लगाने से पहले कुछ इस तरीके से मैंने फिलहाल बांध दिया है। और मेरे को इस साइड में डिज़ाइन को इम्प्रोवाइज भी करना पड़ा है, यहाँ पे जो है मैं बेंडिंग परफेक्ट नहीं बना पा रहा था, तो टेम्परेरी मैंने बांध के एस्टिमेशन लेने के लिए जब इसे रखा तो यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था लेंथ, तो मैंने इस तरीके का जो है एक एल्बो ले लिया है 90 डिग्री वाला, अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे को एक्स्ट्रा भी 250 रुपीज़ का लाना पड़ा, इससे जो है बहुत परफेक्टली ये इस तरीके से लग जाएगा। तो अभी तो मैंने टेम्परेरी रखा, अभी मैं इसको जो है यहाँ पे जो है पहले ड्रिल करके इसके क्लैंप्स लगाना शुरू करता हूँ। तो यूनिफॉर्म वेट के लिए जो है मैंने अभी फिलहाल जो है 3 छेद बनाए हैं, एक यहाँ पे बनाया है, एक सेकंड आप वहाँ पे देख सकते हैं, और एक जो है उस तरफ मैंने उसके नीचे भी छिपा हुआ है वहाँ पे बनाया है। अब इन पे यहाँ पे स्क्रू लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 जो है अभी क्लैंप्स लगा दिए हैं, और उसके हिसाब से जहाँ पे मेरे को वेट अभी लगा मैंने वहाँ पे लगा दिया है। अगर मेरे को कम लगे तो बाद में 1-2 क्लैंप्स और भी लगाने पड़े तो मैं बाद में लगा दूंगा। अब जल्दी से हम वहाँ का जो जॉइंट वाला था उसे कंप्लीट करके लगाते हैं। तो किचन के अंदर की साइड से दिखाऊं तो ये वाला वो एग्जॉस्ट फैन है, इसका मैंने रिसेंटली जो है पूरा एक क्लीनिंग वाला रेस्टोरेशन वाला वीडियो भी बनाया था, अगर आप वो भी देखना चाहे तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मगर अभी के लिए आपको दिखाता हूं अंदर की तरफ से कैसे वो पाइप जो है अंदर से सेंटर की तरफ यहां पे मैंने बना दी है, तो उसी के बेस पे जो है इसको जब मैं अंदर इस बिल्कुल मोटर की डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल उस पाइप को सामने सेंटर पे रख दूंगा यहाँ पे, तब उसके बाद जो है बाहर से इसकी पूरी पूरी टेपिंग जो है वो कर दूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चिमनी पाइप का पूरा इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। अब सिर्फ बाहर की जो इसकी कवर है वो वाली लगाने बाकी है। अब इसका कवर बाहर लगाने के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से 2 स्क्रू दिए होते हैं, तो इनको जब मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा बाहर से पाइप, तो यहाँ पे जो है इनको मैं टाइट कर दूंगा। बेसिकली एल्युमिनियम जो हमारी फॉइल वाली जो पाइप है उसको कट करके अंदर चले जाएंगे, अगर मैं इन्हें नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है कभी हवा तूफान आए या ये शेक होके ये गिर जाए तो ये मिस भी हो सकते हैं, इसीलिए इनका स्क्रूज का दोनों को लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाहर कवर लगाने के बाद जो है इंस्टॉलेशन इस पूरा चिमनी पाइप का एग्जॉस्ट फैन के साथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप कुछ इस तरीके का डेयर खुद भी करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा बस इंटरेस्ट लेना होगा। तो होप आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।